Good morning. Today is 6th August 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. आज सबसे पहले देखते हैं हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं. फ्रॉम प्लेट टू प्लॉ, ये आर्टिकल न्यू कॉटन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. इसमें हम लोग पूरे अच्छे से इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे और साथ ही साथ ये जो बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है कॉटन के भी टर्म्स में, उसमें बॉल गार्ड 1, 2 और 3 को पूरे डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वाजपेयी गवर्नमेंट से लेकर मोदी गवर्नमेंट तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या एडवांसमेंट लाया है. दूसरा है इंडिया और ईरान के फॉरेन पॉलिसी को आज हम लोग पूरे डिटेल में एनालाइज करेंगे. तीसरा आर्टिकल है मॉनसून ब्रेक. इसमें हम लोग मॉनसून पैटर्न इन इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे, इसका इंडियन क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होता है और साथ ही साथ ये भी कुछ टर्म्स हैं जैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज, अल नीलो, ऐसे टर्म्स को भी हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे. और चौथा आर्टिकल है ये IIT हैदराबाद से, हाँ, इंडिया को क्या एक्सपेक्टेशंस है और इंडिया को क्या इससे फायदा पहुंच सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल फ्रॉम प्लेट टू प्लॉ. ये बोला जाता है कि न्यू कॉटन टेक्नोलॉजी है जो बॉल गार्ड 2 है, ये अभी जिसके साथ हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट इसमें डालने की बातें चल रही है. इसमें बातें ये हो रही है कि ये जब इस चीजों को डालेंगे तो ये और भी एडवांस्ड हो जाएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. प्रेजेंट में ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है. द फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन कमेटी, जो पीओएमओ के द्वारा बनाई जाती है ये कमेटी, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन के बाद जहां पे है ये जो मतलब अभी इस कॉटन की क्या होती है इसके बारे में पूरी देखेंगे अभी. वाज प्लांटेड इन द, अभी बोला जाता है कि 15 ऐसे मतलब 15% एरिया में आंध्र प्रदेश गुजरात और 5% एरिया में पंजाब वगैरह में 2017 खरीफ सीजन में ये इसको बोया गया. द रिपोर्ट आल्सो पॉइंट, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फार्मर्स हैव बीन पेइंग 1000 रुपये से 1500 रुपये, ये मतलब 450 ग्राम इस सीड्स के लिए पे कर रहे हैं, जबकि मतलब अगर ऐसे जो नॉर्मल होते हैं जो मतलब एडवांस नहीं किए होते हैं उसका क्या कॉस्ट होता है, उसका 800 to 450 ग्राम का 800 के आसपास होता है. तो ये जो कमिटी है ये भी रिवील करती है कि सीड हैव नॉट बीन स्मगल्ड फ्रॉम द आउटसाइड. ये जो सीड है ऐसा बात नहीं कि ये बाहर से स्मगल करके लाया गया, ये इंडिया में ही इसे मैनिपुलेट किया गया है, इसे एडवांस किया गया है और इसे कौन करने वाली है, ये जो बायोटेक लिमिटेड है ये इसके द्वारा ये एडवांस की गई है. दिस इंडिकेट, तो ये जो पैटर्न है जो हमने देखा कि इस टेक्नोलॉजी का फार्मर्स यूज कर रहे हैं, ज्यादा पैसा देकर 800 रुपये जहां कीमत है उसके लिए वो 1500 रुपये कर रहे हैं, इससे हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि फार्मर्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं और वो रिस्क भी लेने को तैयार है और साथ ही साथ उसके लिए अगर उनको ज्यादा पैसे भी देने की जरूरत पड़े तो भी उससे वो हिचकेंगे नहीं. तो नॉट सरप्राइजिंगली बोला जाता है कि इसका निजक इसका रिएक्शन क्या हुआ जब मतलब लोग ऐसे देखा गया कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीड्स नहीं है उसे भी फार्मर्स जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, बहुत जगह गवर्नमेंट ने रेड मारा और ऐसे कंपनीज को पकड़ने की कोशिश की. लेकिन हमारे पास मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे चीजों को करने से क्या कॉटन फार्मर्स की मतलब परिस्थिति में सुधार हो पाएगी. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बोला जाता है कि इसे वाजपेयी गवर्नमेंट से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो वाजपेयी गवर्नमेंट जो इसी टाइप के कंडीशन को फेस किए थे जब वो 2001 में आए थे, उस टाइम क्या हुआ था कि गुजरात के जो फार्मर्स थे ये बीटी कॉटन जो प्लांट किए थे विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल. उस टाइम जो बीटी कॉटन को इन्होंने प्लांट किया ये गवर्नमेंट की अप्रूव्ड उस टाइम नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्लांट कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि मतलब नॉर्मली जैसे अभी हुआ वही होना चाहिए था कि जाके रेड करो, वैसी कंपनी जो बना रही है उसके बारे में पता करो या स्मगल करो, और ऐसे जहां पे ऐसे चीजों की प्लांटेशन हो रही है जिसकी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है वो सारे क्रॉप्स को क्या करो, वो सारे क्रॉप्स को जला दो. लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाई और ही सेज देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इमर्ज एज अ लीडर इन बायोटेक. उन्होंने बोला कि ये अभी समय ये है कि हम बायोटेक में इंडिया को लीड करने की जरूरत है और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अप्रूव्ड द यूज ऑफ बीटी कॉटन इन 2002. ये जो मामला 2001 में जो उन्होंने बिना अप्रूवल के लिए वो कर दिया, लेकिन 2002 में उन्होंने अप्रूव कर दिया द फर्स्ट GMO क्रॉप इन द कंट्री. और उस टाइम पहली बार हम लोग GMO मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, जो मतलब क्या होता है ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे मान लो ये जो नॉर्मल क्रॉप्स है तो ये देने के बाद मान लो कि ये अगर हम इतने एरिया में ये क्रॉप्स को करते हैं तो इससे 5 क्विंटल हमारा आउटपुट आ रहा है. लेकिन जब जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे इसके जीन्स को, इसके अंदर की जो
प्रोडक्टिविटी है वो बाहर के क्रॉप्स या मान लो फॉरेन के जो जीन्स है उसमें लाके, या फिर ऐसे सॉइल्स में जहाँ ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है वहाँ के सॉइल्स पे के जीन्स को इसमें डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग करते हैं इसमें, तो इससे क्या होती है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये पेस्टिसाइड के प्रति ज़्यादा ये मतलब इसमें पेस्ट लोग नहीं आ सकते हैं, ये सारी इसकी मैनेजमेंट बढ़ जाती है। तो इसके इससे क्या होगा, हम लोग इसकी प्रोडक्टिविटी 5 की जगह 8 क्विंटल हम लोग अब कर सकते हैं सेम एरिया से। तो इसे बोलते हैं जीएमओ क्रॉप्स। तो इन लीडर इन द यूज ऑफ बायोटेक इन ऑर्डर टू फाइट द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। इंडिया को मतलब अभी जो है हमारे एडवांस्ड होनी चाहिए ताकि हम माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन से सुधार कर पाए। व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ हमारे इंडिया में। इंडिया ऑफिशियली रिलीज दिस फर्स्ट बीटी कॉटन बॉल गार्ड 1 इन 2002 में जब इसको अप्रूवल मिला। पेटेंटेड किसके द्वारा पेटेंट किया, MMBL जो अभी हमने टेक्नोलॉजी का नाम बताया था, इस कंपनी ने इसको पेटेंट मिल गया। मतलब क्या हुआ कि MMBL को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल गई। 2006 में क्या हुआ, MMBL इंट्रोड्यूस किया इस बॉल गार्ड 1 का जो थोड़ा एडवांस्ड रूप लाया जो था बॉल गार्ड 2 विद द एडिशनल ट्रेड, उसमें भी कुछ एडिशनल ट्रेड के साथ। इंडिया हैड इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इसके साथ क्या हुआ, 2006 में जब ये बॉल गार्ड 2 आया तो इंडिया क्या हुआ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन बन गया और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड बन गया। तो फार्मर्स अर्निंग एज इंक्रीज, फार्मर्स की अर्निंग भी इंक्रीज हो गई एंड द नेशन का इवैल्यूएशन जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सब चीजों में भी बढ़ोतरी होने लगी। टुडे मोर देन 95% ऑफ द कंट्रीज कॉटन ग्रोइंग एरिया इज अंडर बीटी कॉटन। अभी जो 95% कॉटन हमारे देश में उगाया जाता है वो कौन सा कॉटन होता है, बीटी कॉटन होता है। मीन्स अभी हम लोग बीटी कॉटन 2 का हम लोग यूज कर रहे हैं 2006 से। तो हाइवर सिंस देन, तब से लेकर अब तक, लेकिन ये देखने की बात है कि कोई भी गवर्नमेंट ने अप्रूव द अदर GM क्रॉप्स लाइक द बीटी ब्रिंजल और मस्टर्ड के बारे में जहाँ तक बात हो रही है, तो इसको हम लोग अभी तक अप्रूव नहीं किए हैं। तो बोला जाता है कि किलिंग इंडिया चांस टू बी द ग्लोबल लीडर, और ऐसा करके इस टेक्नोलॉजी को हम लोग रोक कर हमने जो एक ग्लोबल लीडर बनने का जो एक हम फायदा उठा सकते हैं टेक्नोलॉजी में वो अभी तक हम लोग उठाने में सक्षम नहीं हो पाए। बॉल गार्ड 1 के बारे में जहां तक बात है तो ये बोला जाता है कि पहला वेराइटी है कॉटन का जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई किया और उसमें क्या हुआ था, ये जो जीन था CRY1AC फॉट द इन्फेस्टेशन कॉज्ड बाय द अमेरिकन बॉल बॉम। ये जो मान लो जैसे अमेरिकन बॉल बॉम, ये कीड़ा मान लो अमेरिकन जो कीड़ा है इनसे इन क्रॉप्स को जो है ये सुरक्षा देती थी। दूसरी बार जब हमने बॉल गार्ड 2 लाया तो उससे क्या हुआ, CRY1AC तो इसमें था ही, उसके साथ CRY2AB भी हमने इसमें डाला, इस जीन को डाला और इन्हेंस किया था, प्रोटेक्शन केम इन द 2006 और उसकी प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा एडवांस हो गई। लेकिन 12 साल हो गए, 2006 से हम लोग 2018 में 12 साल हो गए, अब जो है इसका इफेक्ट जो है उन मतलब कीड़ों पे अब वो कम होने लगा, पेस्ट जो लोग हैं उनका फेडिंग अभी होने लगा बेनिफिट। द पिंक बॉलवॉर्म, अभी जो हम लोग महाराष्ट्र में देखे पिंक बॉलवॉर्म का जो पूरा हमला हो गया और उनकी पूरी क्रॉप्स जो बर्बाद हो गई थी, तो ये उसका भी एक एग्जाम्पल है। तो बोला जाता है कि अब हमारे के पास क्या है कि BG3, मतलब BG2 तक तो हमने 2006 में यूज किया, अब हम लोग BG3 को इंडियन मार्केट में लाए, है ना। दिस विल इनहेंस द पेस्ट रेसिस्टेंस। इससे क्या होगा, पेस्ट का रेसिस्टेंस जो कीड़े मकोड़े अब जो मतलब रेसिस्ट हो गए हैं उसको फिर से हम लोग उसको पाने में सक्षम हो जाएंगे और फार्मर का लेबर कॉस्ट भी जो है हम लोग इजिली मैनेज कर लेंगे। और ब्राजील और US जैसे कंट्री जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज ऑलरेडी कर रही है, तो हमें उसका मतलब कंसिक्वेंसेज देखते हुए इसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड गिविंग फार्मर्स एक्सेस टू द बेस्ट टेक्नोलॉजी, फार्मर्स को जो उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उनसे एक्सेस से हमें रोकना नहीं चाहिए। एंड गिव ए ग्रीन सिग्नल टू ओनली द BG3 बट ऑल्सो, ये सिर्फ BG3 मतलब कॉटन की ही बात नहीं है बट कि ब्रिंजल और GM मस्टर्ड में भी हमें अब इनके प्रति जो है ये भावना बढ़ानी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे नए टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए। एंड वाजपेयी ड्रीम ऑफ मेकिंग, ताकि हम वाजपेयी की जो ड्रीम थी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान थी, उसको हम लोग सच्चाई में सच्चाई के पटल पर ला सकें। दूसरा आर्टिकल है ये इंडिया ईरान फॉरेन पॉलिसी से है। जो अभी क्या हो गया, ट्रंप का लेटेस्ट डिमांड ये है इम्पोर्ट्स द ईरान क्रूड, ईरान से जो हम लोग क्रूड ले रहे हैं उसको हम लोग जीरो कर दें, बाई नवम्बर दिस ईयर तक हम लोग जीरो पे ले आए।
दिस फॉलो इज डिसीजन, ये जो है जेसीपीओ एक्ट है जिसके तहत उसने क्या किया, पहले ईरान पे जो है उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी न्यूक्लियर जो मतलब जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग ठीक है कुछ उसमें रोक नहीं लगाएंगे, उसके बाद यूएन भी इसको इंडोर्स की, और फिर फाइनली जब ट्रंप आए तो उन्होंने क्या बोला कि उस पर फिर से सैंक्शन जो है इम्पोज कर दिया ईरान पे। ईरान इज द इंडिया के नजरिए से अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द क्रूड ऑयल है, और साथ साथ हमारे पास एक चाबार्ड पोर्ट भी है जो कि साउथ कोस्ट ईरान पे करंटली बन रहा है। चाबार्ड पोर्ट का हम लोग थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं, ये देखो चाबार्ड पोर्ट कहाँ हो गया, चाबार्ड पोर्ट यहाँ पर है चाबार्ड पोर्ट, ये देखो ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका ईरान का एरिया, और ये है देखो पूरा सऊदी वाली एरिया दुबई, और यहाँ पे हम लोग चाबार पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो है पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन ना रहे, ये पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ खत्म होती है और यहाँ हम लोग चाबार पोर्ट बनाने की कोशिश में हैं। तो अभी बोला जाता है कि व्हेन कंप्लीटेड इट विल ऑफर द इंडिया ओवरलॉन्ड लैंड एक्सेस टू द सेंट्रल इंडिया, मतलब जैसे एशियन मार्केट में कोई जाना चाहती है विदाउट हैविंग द क्रॉस टू द पाकिस्तान, जैसे हमें अभी मान लो कहीं जाने की जरूरत है एशियन कंट्रीज में, ठीक है, तो मान लो जैसे इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है, गुजरात है गई मुंबई, मुंबई से अगर जाना है तो आप कैसे जाओगे इस एशियन कंट्रीज, मान लो इधर जानी है तो इस कंट्रीज में कैसे जाओगे, तो जाने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक पोर्ट चाहिए जहां सारे सामान आए और यहां पर रुके, तो जिसमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तो हमें हेल्प नहीं करने वाला, तो फिर ये जो पोर्ट है ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो बोला जाता है कि ये अमेरिका का जो है इंडिया परमानेंट, और साथ ही साथ इंडिया को ये भी देखना कि परमानेंट इंटरेस्ट भी जो चाहिए अमेरिका के साथ वो भी हमारा ना टूटे, क्यों, क्योंकि जो काटसा एक्ट है मतलब अमेरिका का ये जो एक्ट है उसमें उस एक्ट के तहत क्या होती है, इम्पोज द सैंक्शन ऑन द कंपनीज दैट हैव एसोसिएटेड विद द ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, मतलब ऐसी कंट्री जो कि ईरान के साथ अगर आपने सैंक्शन ईरान पे लगाया है और ईरान से तब भी वो मतलब रिलेशन रखते हैं तो उन सारी कंट्रीज पे भी हम जो है सैंक्शन लगा देंगे, ये काटसा एक्ट कहती है। तो सिक्योरिंग द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द वाइल्ड वीज, तो इंडिया को किस, इंडिया मान लो यहां पर खड़ी है, इंडिया को दोनों चीजें देखनी है, पहला क्या देखना है कि हमारे पास जो मतलब अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाइल्ड, हमारे पास वाइल्ड तो है नहीं तो हमारे पास वाइल्ड का सप्लाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, है ना, और दूसरी क्या देखना है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस है, ट्रेड है, सर्विस है, ये सारी चीजें भी जो है ये अमेरिका के साथ जो है इन चीजों की अब हमें नहीं तोड़नी, और इंडिया जो है कहां बीच में खड़ी है। Though the Trump's demand is not a grounded, Trump का जो ये demand है sanction का ये मतलब ground पे तो नहीं नजर आता, ना ही support international community भी इसे support नहीं कर रही, और तो और ईरान भी जो है जो वो sanction लगा रही है उस पे वो मानने को तैयार नहीं है। India has option to divert, India के पास क्या एक option बच जाता है ऐसे में कि India क्या करे, ईरान से मतलब तेल ना लेकर दूसरे country से, कुवैत से, इराक से, इन सारी countries से जो है तेल ले ले, लेकिन इसका क्या consequences होगा, the tighter commercial term, ईरान जिस term के साथ हमें देता है 90-120 डेज का क्रेडिट विंडो देता है कि मतलब अगर हम आप जैसे वहां से तेल आ जाती है, क्रूड आ जाती है, हम उसे 120 डेज तक के बाद भी अगर पे करते हैं तो ईरान उसे भेजने को तैयार होता है, लेकिन अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज से लेंगे तो वो हमारी 120 डेज की विंडो क्या 30 डेज पे आ जाएगी, एंड तो डिस्काउंट भी जो हमारा ईरान हमें प्रोवाइड करता है वो डिस्काउंट जो है वो दूसरी कंट्रीज जो हमें नहीं देगी, और हमारा पेट्रोल का प्राइस जो इंडिया में राइज कर देगा, और ये सब तो चलो छोटी बातें हैं, सबसे बड़ी बातें ये है कि अगर ईरान ने ये डिसाइड कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ही उसने ब्लॉक करने का कोशिश कर दिया जो कि 22 मिलियन टन्स ऑयल जो है एनुअली जहां से फ्लो करता है, तो फिर पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में इसकी समस्या आ जाएगी। ये देखो स्ट्रेट ऑफ हरमुज हम लोग पहले देखते हैं, ये हो गया ईरान का, पाकिस्तान, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यहां पर, और अब देखो ये कहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमुज ये बोलते हैं, जैसे ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, पर्शियन गल्फ से जब हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया को अगर आप ब्लॉक कर दिए तो यहाँ से जो चीज़ें तेल है इन सारी कंट्रीज की जो चीज़ें हैं वो सारी कंट्रीज की चीज़ें पास नहीं हो पाएगी, जैसे देखो यहाँ कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ये छोटा सा ब्लॉकेड है, और अगर ईरान इसे मान लो यहाँ पर रोकने में सक्षम हो जाता है तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं जो यहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं वो सारी चीज़ों में बहुत ही दिक्कत आ जाएगी।
तो यही बोला जाता है कि 22 मिलियन टन ऑफ द फ्लो जो है उस पर वो लोग बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा। एक बात ये भी देखा जाता है कि ईरान के साथ हम लोग सोच सकते हैं कि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो मतलब येन केन प्रकार किसी तरह अगर वो करने में सक्षम हो गया, कुड यूज द वैरायटी ऑफ मींस टू द क्लोज ऑफ स्ट्रेट, और उसको अगर रोक दिया तो फिर क्या होगा, मान लो कुछ दिन के लिए ही रोक दिया तो वो टोटली डिसरप्ट द मार्केट एंड लीड द एक्सप्लोजन ऑफ द प्राइस, पूरे मतलब वर्ल्ड में जो है फिर से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। एंड प्रिवेंट सच ए स्टेप, और ऐसी स्टेप को रोकने के लिए इंडिया मस्ट रिमेन एंगेज विद द ईरान, ईरान के साथ हमें रिलेशन बनाने की ही आवश्यकता है, नहीं क्योंकि अगर आप जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से अगर देखना चाहो कि ईरान अगर वहां से अगर ईरान से अगर इंडिया अपना रिलेशन हटा लेता है तो फिर क्या करेगा, चाइना वहां पे इंटरवीन कर देगी और चाइना इनटू द नब ऑफ द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में जो है वो अपना वर्चस्व फैलाना फिर से स्टार्ट कर देगी। और चाइना मतलब उन्होंने पहले ही कर दिया कि जो सैंक्शन है ट्रंप का उससे हम लोग मानने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके पास अपनी तेल भी नहीं है और इसके पास अपने डिफेंस की अपनी वैसी एपेबिलिटी भी नहीं है, तो मतलब लेकिन चाइना के साथ तो ऐसा नहीं है, वो डिफेंस में टेक्नोलॉजी में हाईली एडवांस्ड है, तो उसे अमेरिका के साथ उसे रिलेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। और ही साथ ही साथ ये भी होगा कि छावार पोर्ट में भी जो चाइना है वो इंटरेस्ट को दिखा रहा है, और अगर बीच में ही जो अभी वो अंडर डेवलप्ड है, अगर बीच में ही मतलब इंडिया तो अपने रिलेशन को ईरान से तोड़ देता है तो ऑब्वियसली चाइना जो है वहां पर आके अपना वर्चस्व बना लेगा। देयरफॉर इंडिया इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, इंडिया जो है एक डायलेमा में फंस गया है। एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट जो भी मतलब एक तो इकोनॉमिकली जो हमारी क्रूड ऑयल जो मतलब जितनी कम दामों में आ रही है वो तो महंगी हो ही जाएगी, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट जो हम लोग छावार पोर्ट पे बनाने की कोशिश में थे वो भी हम वहां से हमें हाथ धोना पड़ जाएगा। इन सच एन एनवायरमेंट इंडिया नीड टू डू मोर देन स्टे ट्रू इट्स प्रिंसिपल, ऐसी एनवायरमेंट में इंडिया को क्या जरूरत है कि आप अपने प्रिंसिपल पे ट्रू रहो, फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी के दबाव में आके बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी है वो ट्रंप की पॉलिसी भी अपने आप में मतलब कुछ स्थिर नहीं दिखती है। जैसे ट्रंप की पॉलिसी क्या है, पहले किसी भी कंट्री को इंसल्ट करो, उसको डराओ धमकाओ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जब डराने धमकाने के बाद जब थोड़े दिन हो जाए तो उसके बाद क्या करो, उनके साथ जाके रिलेशन बनाओ, उनके मिनिस्टर से जाके मिलो, और फिर फाइनली वो जो डराने धमकाने की वो जो प्रक्रिया थी उसे कम कर दो और फाइनली बोलो कि हमने मतलब हमारे रिलेशन अच्छी हो गए। तो ये ठीक है, आप जो एक साल के प्रोसेस में ये सारी चीजें करते हो, पहले आप उसे डराते धमकाते हो सैंक्शन लगाते हो और बाद में दोस्ती कर लेते हो तो आपकी तो दोस्ती हो जाती है, लेकिन उस चक्कर में अगर आपके देखे देखे कोई और डेवलपिंग कंट्रीज अगर उस चीजों को फॉलो करती है तो ये जो कंट्री है वो कंट्री उस कंट्री के साथ रिलेशन तो तोड़ देगी, है ना। तो और ऐसा हमने देखा, ऐसा जैसे हमने नॉर्थ कोरिया के स्टेट में देखा, नॉर्थ कोरिया को पहले बहुत ही डराया धमकाया गया अमेरिका के द्वारा, और फाइनली फिर उन्होंने वहां के किम जोंग है उनके साथ जाके वो मिले और फिर धीरे धीरे सारी चीजें अब जो है वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में मान लो इंडिया अगर नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन तोड़ दिया होता या नॉर्थ कोरिया पे मतलब वैसा हम लोग एडवर्सली कुछ इफेक्ट ले लिए होते तो फिर क्या होता, नॉर्थ कोरिया आज इंडिया के साथ दोस्त नहीं बना होता। और ऐसा ही ईरान के साथ भी देखने को मिल रही है, ईरान के भी मिनिस्टर से जो ट्रंप जो है मिलना चाह रहे हैं, और अगर मान लो ईरान के साथ नवंबर तक इंडिया रिलेशन को तोड़ देती है और जनवरी फरवरी तक जाके मतलब क्या ट्रंप जाके फिर से ईरान से मिल के और सारी चीजें नॉर्मल करने लगते हैं तब तक क्या होगा, तब तक तो इंडिया अपना वर्चस्व खो देगा, तब तक चाइना वहां के इंटरवीन कर देगी और छावार पोर्ट को भी ले लेगी। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे कंट्रीज जो हैं वो फंस जाते हैं जो ट्रंप की विजन जो है वो क्लियर नहीं होने के कारण। मॉनसून ब्रेक के बारे में देखते हैं, अभी जो मॉनसून बोला गया ये क्या हो गया, ये बहुत ही मतलब मिड जुलाई तक जो गया 22% बिलो था क्रॉसपॉन्डिंग द लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, मतलब पिछले 50 साल में, जैसे मान लो 1951 से लेकर 2000 तक मतलब 1950 से लेकर 2000 के बीच का जो जितना रेनफॉल हुआ उसका एवरेज, वो जो एवरेज है वो मतलब स्टैंडर्ड एवरेज होता है, उससे के इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं कि उससे कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। जैसे 1950 से लेकर 2000 के बीच में से जो एवरेज है वो 89 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो 89 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये 89 से 96 to 104% हुआ तो नॉर्मल रेन हुआ, अगर 104 से 110 हो गया तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हुआ, और 110 से भी ज्यादा हो गया तो हम लोग बोलते हैं एक्सेस होता है। लेकिन वही अगर मान लो कि 89 से नीचे हो जाए, मतलब बिलो 90 हो जाए, 89 से नीचे हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिसिट, मतलब उस ईयर जो है मॉनसून कम आई। तो यही था
वो कॉन्सेप्ट जून 1 से लेकर अगस्त 4 के बीच में अगर देखा जाए तो 9.2% लोअर था LPA, ठीक है। अभी जो बोला जाता है कि जो ब्रेक है मॉनसून में, ये नॉर्मल फेनोमेना है। द इंपॉर्टेंट थिंग ये भी हमें देखने की जरूरत है, कुछ अगर स्टेट्स को छोड़ दे, बिहार झारखंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव रिसीव्ड द एनफ रेन फार्म्स टू टेक अप द खरीफ सोइंग ऑपरेशन, तो मतलब खरीफ की जो क्रॉप को सो करने के लिए, बोने के लिए जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी तो हमें मिल गई है। और इवन यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स थे जहां पे कुछ दिन पहले दो तीन सप्ताह पहले सूखा था, अभी वहां पे बारिश होने के आने के कारण सारी चीजें अब फिर से नॉर्मल हो गई है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इजंट अ बैड मॉनसून, ये बैड मॉनसून का सीजन तो नहीं है, एटलीस्ट सो फार अब तक जैसा दिख रहा है। वाटर लेवल भी जो हमारे रिजर्वियर में 91 मेजर रिजर्वियर्स हैं उसमें 9.6% ज्यादा है और 10.6% मतलब पिछले 10 साल के मुकाबले ज्यादा है। व्हाट मैटर्स इज हाउ द मॉनसून परफॉर्म, लेकिन बात यहां नहीं रुकती, बात यहां ये हो जाती है कि इसके बाद अब मॉनसून कैसा परफॉर्म करती है वो हमें सोचने वाली बात है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की बात जहां है, उन्होंने फॉरकास्ट क्या किया है, नॉर्मल टू एक्सेस प्रेसिपिटेशन, मतलब हम लोग 90% से ज्यादा देखने वाले, 90 से लेकर 100% तक हम लोग इस बार जो है बारिश होनी चाहिए। एंड द लो प्रेशर एरिया भी मतलब जो वेस्ट बंगाल में बन रही है उससे भी ये चीजों को मिलती है कि हाँ इस बार जो प्रेसिपिटेशन है वो ज्यादा होगा। लेकिन कुछ प्राइवेट फॉरकास्ट कंपनी जैसे स्काईमेट को अगर ले लिया जाए तो वो क्या कहते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द रेनफॉल जो होने वाला है वीक बिकॉज ऑफ द अल नीनो इफेक्ट के कारण जो है सेकेंड हाफ, मतलब अभी जो जितना एक बार जून में आ गया, अभी जो अगस्त तक हो गया, अब अगस्त से लोग जो मिड सेप्टेम्बर तक जो रहने वाला है ये जो होता है सेकेंड हाफ हो गया मॉनसून का, तो इसमें जो उन्होंने बोला अल नीनो इफेक्ट के कारण कम। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं, देखते हैं पहले ये देखो, अल नीनो इज एबनॉर्मल वेदर पैटर्न, एक अबनॉर्मल वेदर पैटर्न होता है जो कि क्यों होता है, कामिंग द वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर, ये जो इक्वेटर की रीजन होती है ये रीजन हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है कि सन का मतलब हीट बहुत ज्यादा होता है तो जिस कारण से वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, तो गर्मी ज्यादा होगी तो वहां के जो समुद्र है वहां से क्लाउड ज्यादा होगा और क्लाउड ज्यादा होगा तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी, तो इस कारण से यहां की जो हवाएं हैं पूरी गर्म हो जाती है। देखो द सन वार्म एंड द वाटर नियर द इक्वेटर विच मेक द मोर and therefore the more rain and however normally there are the trade wind, अभी जो बोला जाता है normally जो यहाँ पे trade wind चलती है वो which blow the warm water west, वो warm water को कहाँ लेके जाती है, वो इस area में लेकर जाती है, west area में लेके जाती है। लेकिन जब El Nino का effect होता है तो इसमें क्या होता है trade wind जो वो कमजोर हो जाती है और even the reverse, और ये reverse इसका जो direction पहले इधर जा रहा था अब El Nino जब year आ जाएगा तो देखो इसकी direction कहाँ हो गई, इसकी direction जैसे इधर चल रही थी तो इसकी direction अब change जाएगी, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हवाएं चलने लगेगी। एंड द वार्म वाटर डिस्प्लेसेस द कूलर वाटर, और ये जो गर्म हवाएं हैं इस एरिया में जो कूल वाटर पहले से थी यहां पर, जैसे कोल्ड वाटर यहां पर जिस एरिया में था वहां पे क्या हो जाएगा वार्म विंटर आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट, ठीक है। एंड द गुड मॉनसून इज नो डाउट, एंड गुड मॉनसून हमारे जैसे कंट्री में नो डाउट नेसेसरी कंडीशन है ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमें किस चीज पर ध्यान देने की होता है प्राइस, क्योंकि यही हमारे फार्मर्स का भी कंसर्न है, और ऐसे स्थिति में मॉनसून के जो पैटर्न है ये कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, इससे हम लोग उभरने की जरूरत है और हमें मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनने की जरूरत है। IIT हैदराबाद के बारे में कहा जाता है ये 10 साल पुरानी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10 साल पुरानी ही IITs है, एंड इनर्जी एंड इंथुजियाज्म लेकिन जिस तरह से यहाँ पर है ये इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। यहाँ की स्थिति अगर आप देखो तो PG की जो प्रोग्राम होती है 30% लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की प्रोग्राम लेते हैं और स्टूडेंट परसुइंग द PhD, और लेकिन दीज आर द कमेंडेबल फिगर, ये फिगर देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या ये सारी चीज़ें तो और भी में हो रही है, इससे एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा क्यों है। द रोड यू टेक टुडे बोला जाता है कि आप जिस राह पे आज आप चलोगे वही आपका जो है कल फ्यूचर डिटरमाइन करेगी, और ये फ्यूचर कल को नहीं है, ये कल आने वाले सेंचुरीज तक ये फ्यूचर पे जो है ये दुनिया चलेगी, हमारा देश जो है उस पे चलेगा। एंड ये जो ओवर स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 10 साल पुराने इंस्टीट्यूट से, तो जैसे हम वर्ल्ड की मेजर यूनिवर्सिटीज को देखें या फिर ओल्डर IITs जो हैं, जैसे पुराने जो
आईआईटीज हैं उनके अचीवमेंट को अगर देखो तो उन्होंने जो शुरुआत में जिस तरह की कोशिशें की थी, जिस तरह के रिसर्च किए, उस कारण से आज उनका वो नाम है। एंड द सेकेंड जनरेशन आईआईटी, जो सेकेंड जनरेशन आईआईटी मतलब आईआईटी हैदराबाद जैसे जो है, इंपॉर्टेंट दैट यू बोरो फ्रॉम वेल, या आप उनसे कुछ सीखो एंड द लर्न फ्रॉम द मॉडल्स ऑफ द पास्ट, और जो पास्ट में उन्होंने जो चीज़ें अच्छी की हैं उन सारी चीज़ों को लेने की जरूरत है। एंड डिफरेंट अभी जो इंडिया का जो चेंज है, कंडीशन जो चेंज हो गया है, हम जो टेक्नोलॉजी को अब लोग अडेप्ट करने लगे हैं, और ऐसी चीज़ों में बेसिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, अगर दुनिया की जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि उनके पास एक इनोवेशन होता है और टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो होता है उनके पास स्टार्टअप्स होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकन वैली जो यूनाइटेड स्टेट में है, एट द कोर्स ऑफ द सिलिकन वैली, मतलब सिलिकन वैली जहाँ पर है, और टेक्नोलॉजी कैंपस एंड द टैलेंटेड फैकल्टी स्टूडेंट, उसके कोर में क्या है, वहाँ पर वो साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के टीचर्स हैं जो सिलिकन वैली की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उनको इतना एडवांस बनाते हैं। तो बोला जाता है कि वैसे ही अगर आप लोकेशन हैदराबाद का देखो, आईआईटी हैदराबाद का, ये भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है और आसपास के एरिया और आसपास के डेवलपमेंट सभी इससे कनेक्टेड हैं। ये ऐसा मतलब बहुत ही दूर में कंट्री के एक किसी गांव में नहीं है। अगर आप देखो 19th सेंचुरी में रोनाल्ड रॉस जो थे, जो नोबेल प्राइज भी जीते, क्यों? क्योंकि मॉस्क्यूटो में मलेरिया का ट्रांसमिशन जिस कारण से होता है उनको पता लगाने के लिए, तो वो जो है यहाँ पर बहुत अच्छे वर्क आके दिल्ली में किए थे, सॉरी हैदराबाद में। आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद बिकम ए लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। इंडिपेंडेंस के बाद हैदराबाद में मतलब इंडस्ट्री का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुआ, और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, सिटी का रेपुटेशन ऐसे हो गया कि रिसर्च सेंटर का वहाँ का रेपुटेशन बन गया। देर हैज़ बिन 19 रिसर्च फैसिलिटीज, ये जो गवर्नमेंट की 19 रिसर्च फैसिलिटी अकेले और लेबोरेटरीज कहाँ पर है, हैदराबाद में है। द पॉइंट इज आर दे पुलिंग देयर कलेक्टिव वेट, लेकिन पॉइंट ये होता है कि जितनी पोटेंशियल उनमें है, जितनी वहां पर इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या मतलब वो देश को लीड कर रही है। आईआईटी हैदराबाद के जस्ट एन ऑट जस्ट एड ऑन टू दिस इकोसिस्टम, जैसे कि और भी आईआईटीज हैं, वैसे आईआईटीज हैदराबाद को समझने की आवश्यकता नहीं है। आईआईटी हैदराबाद के पास जितनी पोटेंशियल है, जितने रिसोर्सेस है, इनको क्या चाहिए, कनेक्टिंग द टिश्यू। आप अपने जितने पुराने जो आईआईटीज हैं उसके स्टैंडर्ड के उनको मेंटेन भी करो, और साथ ही साथ है कैटलिस्ट फॉर द ग्रेटर सिनर्जी। और साथ ही साथ ये भी जरूरत है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसमें एज ए कैटलिस्ट काम करो, आप जो है दुनिया के मतलब इंडिया को लीड करो। एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ ग्रेड, ऐसे नहीं कि आईआईटी जो हैदराबाद है ये सिर्फ ग्रेड में, प्लेसमेंट में और नंबर ऑफ पब्लिश पेपर, इन सब चीजों के झोल में इन्हें फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसे जरूरत है कि डोंट लिमिट योर एम्बिशंस, अपने एम्बिशंस को लिमिट मत करो, और जो है जो अचीवमेंट है उसे और पाने की जरूरत है, और इंडिया को लीड करने की सकता है। थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था।